यूरोप के प्रदूषण से भारत में पड़ा सूखा। वायरल न्यूज, भारत में सूखे की वजह यूरोप का बढ़ता प्रदूषण है। इसकी वजह से देश में करीब 13 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में हुए शोध में यह बात सामने आई है। इस शोध के आधार पर इंग्लैंड के अखबार द इंडिपेंडेंट में छपी खबर के मुताबिक वर्ष 2000 में यूरोप में कायला से चलने वाले बिजली संयंत्रों और उद्योगों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड ने भारत में बारिश को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया। उत्तरी गोलार्ध के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों से होने वाले उत्सर्जन की वजह से भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में होने वाली वर्षा में 40% तक की गिरावट दर्ज की गई। अकेले यूरोप के ही उत्सर्जन से यहां के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होने वाली वर्षा में 10% की गिरावट आई। सल्फर डाइऑक्साइड के कई हानिकारक प्रभाव होते हैं। इसकी वजह से एसिड रेन, दिल और फेफड़े की बीमारी के साथ ही पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी असर पड़ता है। आईसीएल ग्रांथम इंस्टीट्यूट के डॉ एपोस्टोलोस वुल्गाराकिस ने बताया, शोध से पता चला कि दुनिया के एक हिस्से में होने वाले उत्सर्जन से दूसरे हिस्से में कैसे प्रभाव डाल सकता है। पास में होने की वजह से पूर्वी एशिया अधिक असर डाल रहा है, लेकिन यूरोप और यूएस का भी असर अधिक है। 1990 से 2011 के दौरान यूरोप में 74% की गिरावट के बावजूद दुनिया के गर्म होने की वजह से भारत में सूखे की स्थिति बरकरार रही। शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रदूषण के कारकों की प्रवृत्ति बहुत कॉम्प्लेक्स है। सल्फेट एरोसोल का वातावरण पर प्रभाव ठंडा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह सूरज की किरणों को वापस भेज देता है, लेकिन यह प्रदूषण का स्तर बढ़ाता है। इससे सूखे का खतरा भी रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड से वातावरण को होने वाले नुकसान की वजह से यूरोप ने वैसे ईंधन से दूरी बनानी शुरू कर दी जिसमें सल्फर की मात्रा अधिक रहती है। 1990 की तुलना में 2011 में इसमें 74% की गिरावट आई है। वर्ष 2000 की तुलना में 2011 में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन आधा हो गया।